हेलो स्टूडेंट्स आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आइए क्वेश्चन देखते हैं इन फिगर एल एम एंड एन आर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाई ट्रांसवर्सल पी एट एक्स वाई एंड जी रिस्पेक्टिवली फाइन एंगल वन एंगल टू एंड एंगल थ्री गिव रीजंस तो हमें फिगर में तीन पैरल लाइन्स देखे रखिए एल एम एंड एन ये इन तीनों को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तीन डिस्टिंग पॉइंट्स पे एक्स वाई एंड जी हमें एंगल वन एंगल टू एंड एंगल थ्री की वैल्यूज फाइंड करनी है तो नाउ सिंस दिस एंगल इज 50 डिग्री 50 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री क्यों क्योंकि ये दोनों एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो एंगल 4 की जो वैल्यू निकल के आई वो आएगी 180 एट्टी माइनस फिफ्टी वन थर्टी एंगल 4 इज इक्वल्स टू 130 थर्टी डिग्री नाउ देखा जाए तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल वन रीजन क्या होगा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स तो एंगल वन की भी वैल्यू हमारे पास आ गई 130 थर्टी डिग्रीज अब नीचे वाले इन दो एम और एन लाइन को, को कंसिडर करेंगे तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू सेम कॉरस्पोंडिंग एंगल्स एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू करपोंडिंग

की 130 डिग्रीज वैल्यू निकल के आई है थैंक यू